बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार जो विपक्ष है सरकार पर सवाल उठा रहा है, और ऐसे में अभी हम आरजेडी कार्यालय के बाहर हैं। आज बता दें कि आरजेडी की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें आरजेडी के साथ जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता शामिल रहेंगे आरजेडी के, उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो शामिल रहेंगे। आरजेडी कार्यालय के बाहर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर देख रहे होंगे जो प्रतिरोध मार्च की तैयारी की जा रही है कि 12 बजे के करीब जो है प्रतिरोध मार्च जो यहाँ से निकाला जाएगा, इनकम टैक्स कोलंबर और जो हिंदी भवन है, हिंदी भवन जहाँ डीएम कार्यालय, वहाँ जाके ज्ञापन सौंपा जाएगा। यानी उसमें तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता शामिल रहेंगे, और ऐसे में जो आरजेडी कार्यालय के बाहर कई बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि जहाँ बिहार में पुल भी गिर रही है उसको लेकर भी सीधे तौर पर सरकार को निशाना साधा गया है। जहाँ उसके साथ साथ आपको एक और पोस्टर दिखाएंगे जो प्रतिरोध मार्च है, प्रतिरोध मार्च को लेकर दिखाया गया है कि प्रतिरोध मार्च जो बिहार में पीड़ित मानवता के लिए संघर्ष करता है इंडिया गठबंधन। यानी कि जिस तरीके से बिहार में जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, देखा बीते दिनों जो पूर्व मंत्री थे उनके पिता की हत्या कर दी गई, जीतन सहनी की हत्या कर दी गई, जो मुकेश सहनी के पिताजी थे उनकी हत्या कर दी गई, और ऐसे में जो है एक कार्यालय के बाहर के हम आपको तस्वीर दिखा रहे कि धीरे धीरे हैं जो कार्यकर्ताओं के जमावड़ा होना शुरू हो गया है। लेकिन एक तरफ जहां पुल बिहार में गिर रहा है, पुल को लेकर भी एक पोस्टर के माध्यम से सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा गया कि इस नदी पे तो पुल था, एक जो नदी दर्शाया गया है और उस पर लिखा हुआ है ऊपर में कि इस नदी पर तो पुल था, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, इस पर थोड़ा इंतज़ार कर लो, हो सकता है कोई दूसरा बहकर आ जाए। यानी कि जिस तरीके से लगातार जो पुल गिर रहे हैं उस पुल पर ये निशाना साधा गया। उसके साथ साथ आपको नीचे तक के तस्वीर जो दिखाएंगे भोजपुरिया अंदाज में, जो है सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा गया कि डबल इंजन के सरकार में घूमिए, हमरे बिहार में पुल बहल मिलेगा नदियाँ के धार में। यानी कि सीधे तौर पर जो है हमारे जो बिहार में जो सरकार है, बिहार में सरकार में आप घूमिए तो आपको पता चलेगा कि बिहार में किस तरीके से विकास हुई है। जो एकता यादव है, एकता यादव के द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, और ऐसे में साफ तौर पे जो कह दिया तो बिहार में कानून व्यवस्था के साथ साथ जो बिहार में लगातार जो पुल गिर रहे हैं उसको लेकर आज विपक्ष है सड़क पर दिखेगी, और विपक्ष के जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता शामिल रहेंगे, इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो भी शामिल रहेंगे, चाहे वो CPI-M के हों, और चाहे वो कांग्रेस हों, चाहे VIP पार्टी हों, उसके साथ साथ आरजेडी ऐसे जो तमाम जो दल हैं, तमाम दल के नेता आज सड़क पर दिखेंगे और सरकार के पर जोरदार हमला करेंगे। क्योंकि जो बात कर ली जाए तो एक दिन पहले समीक्षा बैठक की गई कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, और दूसरे दिन प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है विपक्ष की ओर से। कल देखा कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई, जिसमें कई बड़े निर्देश दिया गया DGP को, और जो DGP को यह भी निर्देश दिया गया कि जो तमाम जो जिले के जो DM हैं उनके साथ आप बैठक करें और किस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त हो उसको लेकर लगातार सचेत रहें। क्योंकि जो बिहार में जो सरकार है, जो नीतीश कुमार जो शुरू बार जब सत्ता में आए थे तो इसी संदेश के साथ आए थे कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगा। लेकिन जो अब जैसे ही वो अपने 18-19 साल का कार्यकाल समाप्त कर लिए, उसके बाद जो अब कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहा है कि बिहार में जो नीतीश कुमार जो जिस व्यवस्था से, जिस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आए थे, अब उस कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से खत्म हो रही है। ऐसे में आज जो विपक्ष सड़क पर देखेगी, प्रतिरोध मार्च करेगा, उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। पटना से न्यूज वैस्कूप के लिए विवेक रंजन। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।